बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है खदीजा की रसोई में। आज जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है मैंगो चाइना ग्रास की बर्फ़ी। अब मैंगो सीज़न है तो मैंगो का एक आध डिश तो बनता ही है ना, तो ये जो मैंगो डेजर्ट की रेसिपी है इसे देखने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद पास में बेल आइकन आएगा उसको ज़रूर से दबाइएगा ताकि आप तक हमारी रेसिपी की हर नोटिफिकेशन पहुंचती रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा। अब हम देख लेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स। तो हमने यहाँ पे 10 ग्राम चाइना ग्रास लिया है, तो इसे अगर अगर भी कहते हैं। तो पहले हम इसे भिगो देंगे, इस तरह हम इस तरह छोटा छोटा टुकड़ा करेंगे ताकि अच्छे से पूरा भीग जाए। तो भिगोने से पहले हमें इसे एक बार साफ पानी से धोना है, तो इसमें हम साफ पानी डाल के हाथों से थोड़ा मस लेंगे। इसका पानी हमने फेंक दिया है, अब हम इसमें आधा गिलास पानी डालेंगे इसे भिगोने के लिए। तो इसे भिगने के लिए रख देते हैं, जब से भीग रहा है हम दूसरी तरफ दूध को बॉइलिंग के लिए रख देंगे। तो ये 750 ml हमने यहाँ पे दूध लिया है, तो दूध को हम यहाँ पे बॉइलिंग के लिए रख देते हैं। जब से दूध बॉयल हो रहा है हम आम की तैयारी कर लेंगे। तो ये 2 ठे आम लिया है हमने, आमरस आम है ये, आप कोई भी अपनी पसंद का आम ले सकते हैं, बिना रेशे वाला लीजिएगा। तो आम को हम कट करके इसका जो पल्प होता है वो हम पहले निकाल लेंगे। तो इसे हम चम्मच से इस तरह इसका पल्प निकाल लेंगे, तो चम्मच से बड़े आराम से निकल आता है। आप अगर दूसरा आम लिए हो, थोड़ा हार्ड अगर आम है तो आप उसको छील सकते हैं, ये आम ऑलरेडी नरम है तो हम इसे इस तरह निकाल लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना रस इसमें निकला है, क्योंकि आम रस है तो आरस भी इसमें कितना भरा है। तो बस अच्छे से हमें इसका पल्प निकाल लेना है, दोनों आम का हम निकाल के रख लेंगे पल्प को। तो आम का जो गुठली है इसमें से भी हम इसका जो गूदा है आम का निकाल लेंगे चाकू की मदद से इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए ये आम है रसपुरी, तो इसमें रस भी कितना है और इसमें मिठास भी बहुत है इस आम में। तो यहाँ दूध में बॉयल आ चुका है, हमने इसका फ्लेम लो कर दिया है। अब हम इसे कुछ देर पकाएंगे, क्योंकि ये टोटल 750 ml दूध है तो हमें इसमें से 250 ml दूध को रिड्यूस करना है। तो 750 ml से ये लगभग 500 ml दूध रहना चाहिए, ठीक है। तो इसका हम फ्लेम लो करके इसे 10 से 15 मिनट पकाएंगे। 10 से 15 मिनट हम इसे पकने देते हैं जब तक थोड़ा दूध इसमें रिड्यूस ना हो जाए। तो यहाँ जब से हम चाइना ग्रास को भी रख देते हैं पकने के लिए, इसको मेल्ट होने तक हम इसे पकाएंगे। तो इसका फ्लेम हमने लो कर दिया है, लो फ्लेम पर ही हम इसे पकाना है। तो थोड़ा सा पानी हमने इसमें और डाल दिया है, तो लो फ्लेम पे मेल्ट होने तक हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 10-15 मिनट से दूध पक रहा है, तो दूध थोड़ा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें चीनी डालेंगे, आप इसमें चाहे तो मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपके पास मिल्क पाउडर हो। तो अभी हमने इसमें 1 कप चीनी डाला है, तो इसे हम स्टर करेंगे। तो आम भी क्योंकि मीठा है तो हमें उसके हिसाब से चीनी डालना है। तो इसमें हम 1/2 कप चीनी और डालेंगे, बाकी आप अपने मीठे के हिसाब से डाल लीजिएगा। तो ये 1/2 कप, तो टोटल इसमें हमने अभी 1.5 कप डाला है चीनी। तो इसे हम स्टर करेंगे, तो चीनी को घुलने तक इसे पकाना है। तो अब हम इसमें 1 चुटकी फूड कलर डालेंगे येलो कलर, क्योंकि मैंगो बर्फ़ी है तो येलो कलर डालने से उसका बर्फ़ी का कलर अच्छे से आएगा। तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे।
तो यह अचानक रेसिपी पकने लगा है, तो एक बार हम इसे चम्मच से अच्छे से स्टोर करेंगे। तो इसे हम कुछ देर और पकाएंगे, जब तक ये हल्का सा मतलब ट्रांसपेरेंट जैसा ना हो जाए, तो कुछ देर हम इसे और पकने देंगे लो फ्लेम पर ही। तो यहाँ पे हमने दूध का गैस बंद कर दिया है, तो इसे हम थोड़ा सा गुनगुना होने तक मतलब ठंडा करेंगे, ज़्यादा ठंडा नहीं करना। गुनगुना होने पर ही हम इसका मैंगो और पल्प डालेंगे। अगर हम गरम गरम में डाल देंगे तो फिर दूध फट जाएगा, और मैंगो पल्प डालने के बाद हमें दूध को पकाना भी नहीं है, क्योंकि मैंगो जो है खटास होता है, वो दूध को फाड़ देता है। और यहाँ पे जो चाइना ग्रास है वो भी पक चुका है, हमने इसका भी फ्लेम बंद कर दिया है। तो अब हम मैंगो को ब्लेंड कर लेंगे ब्लेंडिंग जार में डाल के। तो मैंगो पल्प में हम 2 चम्मच चीनी और डाल देते हैं, इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंगो पल्प तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे 1 दूध कप हमने अलग निकाल कर रख दिया है, तो अब ये मैंगो पल्प हम सारे दूध में मिक्स कर लेंगे। तो हमें अच्छे से मिक्स करना है दूध में पल्प को, एक स्मूथ टेक्सचर हो जाना चाहिए मिक्स होने के बाद। तो 1 कप जो दूध हमने बचाया था वो ब्लेंडिंग जार में डालकर हम वापस इसमें डाल देंगे, क्योंकि आम का पल्प मतलब गाढ़ा रहता है, वो जार में चिपक के रह जाएगा, फिर पानी तो हम डाल नहीं सकते। इसके लिए हमें पहले ही 1 कप दूध लगभग निकाल लेना है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे मैंगो पल्प मिक्स होने तक, अच्छे से हमें इसे स्टोर करते रहना है। इस तरह स्मूथ टेक्सचर है। अब हम इसमें चाइना ग्रास भी डाल देंगे। तो दूध देखिए गुनगुना ही था, ठंडा नहीं था, तो चाइना ग्रास भी गर्म ही है। तो चाइना ग्रास को डालने के बाद भी हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, चाइना ग्रास भी अच्छे से मिक्स होना चाहिए। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, एकदम स्मूथ टेक्सचर बन गया है। अब हम इसे थाली में पोर करेंगे, जिसमें हमें बर्फ़ी को जमाना है। तो यहाँ हम थाली में डाल देते हैं इसको। तो इसके ऊपर से अब हम डालेंगे बारीक कटा हुआ बादाम। तो आप ड्राई फ्रूट अपने पसंद का कोई भी डाल सकते हैं। तो इस तरह पूरे में हम स्प्रिंकल कर देंगे इसे। तो इसे हमें बस कुछ देर बाहर रखेंगे हम, जब ये जमने लगेगा तो इसे हमें फ्रीज़र में रखना है 3 से 4 घंटे तक अच्छे से सेट होने के लिए। तो जब ये हल्का सा ऊपर का एक लेयर जम जाएगा, तो हम इसे उठा के फ्रीज़र में रख देंगे 3 से 4 घंटे तक के लिए। तो 4 घंटा हो चुका है, हमने इसे फ्रीज़र से निकाल लिया है। तो इसके साइड्स में हम चाकू फिराएंगे इस तरह से। तो अब हम इसमें बर्फ़ी का कट लगाएंगे। तो जैसे भी हमें बर्फ़ी मतलब चाहिए साइज़ का, उस तरह बर्फ़ी के शेप में हम इसे कट कर लेते। तो ये मैंगो बर्फ़ी देखिए सेट हो चुका है। तो बनकर तैयार है हमारा डिलीशियस डेजर्ट मैंगो चाइना ग्रास की बर्फ़ी। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। तो ये मैंगो बर्फ़ी आप बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं, क्योंकि खाने के बाद अक्सर मीठा चाहिए होता है, तो आप तब खाइए या फिर कभी भी खा सकते हैं, मेहमान आए हो आप उन्हें सर्व कीजिए। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मैंगो चाइना ग्रास बर्फ़ी की, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़रूर से शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को भी ज़रूर से दबाइएगा, ताकि आपको हमारी रेसिपी की हर नोटिफिकेशन रिसीव होती रहे। तो हम अपनी अगली रसोई में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ फिर से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।